किरदार निभाने वाले अदाकारों का, जो बिना मेकअप के स्टेज पर आ ही नहीं सकते। आइए देखें आगे क्या होता है। मुश्ताक, तुमने राज और इरफान से दोस्ती करके मुझसे दुश्मनी मोल ली है और मैंने तुम्हारे मेकअप आर्टिस्ट को उठा लिया है और जब तक प्ले नहीं खत्म होगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब ये क्या हो गया? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। खान अब्दुल गफ्फार खान तो पाकिस्तान बनने के बाद गैर मुल्की हुए, मगर ऐसे कई लोगों ने भी हिंदुस्तान की आजादी की जंग में ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी जो किसी भी बड़े शहीद की कुर्बानी से कम नहीं थी। इनमें से कुछ ने आवाम के सामने आकर सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया, तो कुछ ने मुजाहिदों की ढाल बनकर उन्हें जंगे आजादी में लड़ते रहने की कुवत अता की। शमा को रोशन रखने वाले, महलों की तामीर करने वाले गुमनाम ही रहते हैं। क्या लोग कारवां के साथ रहकर ही उस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं? क्या वो नहीं जो राह में खड़े होकर कारवां के लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं? शायद वे लोग जो कारवां के हिम्मत बंधाते हैं वो भी उस मुहिम का हिस्सा होते हैं। क्या वही लड़ता है जो मैदानी जंग में बंदूक थामे और जो उसे लड़ते रहने का सामान मुहैया करवाता है? क्या वो सिपाही नहीं? वो लोग जो एक सिपाही की ऐसी मदद करते हैं कि वो लड़ाई जारी रख सके, वो भी तो उस जंग के सिपाही होते हैं। कई ऐसी मुजाहिद थीं जो हिंदुस्तान में पैदा तो नहीं हुई थीं, मगर हिंदुस्तान की जंगे आजादी में उनका काम काबिले तारीफ ही नहीं बल्कि काबिले एतमाद था। कुछ गैर मुल्की ख्वातीन ने हिंदुस्तान की आजादी और तरक्की के लिए काम किए और आजादी में तावुन किया, जैसे मार्गरेट कॉजिंस, मैरी हेलमैन, जिन्हें गांधी जी ने सरला बहन का नाम दिया, मेडेलिन स्लेड, जिसे गांधी जी ने मीरा बहन का नाम दिया और अपनी बेटी का दर्जा दिया। उनका तावुन किसी से कम नहीं था। हिंदुस्तान की आजादी की मुहिम में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। मीरा बहन गांधी जी के साथ लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गईं और गैर मुल्कों के अखबारों में हिंदुस्तानियों पर हो रहे जुल्म का बयान भी छपवाया। हाँ विवेक, रेडी हो गए मित्र तोयम्मा के आर्टिस्ट? नहीं यार, नहीं हुए। क्यों? उन्हें प्रेसिडेंट ने उठा लिया।
प्रेसिडेंट ने उठा लिया, मगर क्यों? क्योंकि हमने तुम लोगों से दोस्ती की है और इस बात की सजा देने के लिए उसने हमारे मेकअप आर्टिस्ट को ही उठा लिया है और अब वो उसे प्ले खत्म होने के बाद ही छोड़ेगा। अब तुम कहां जा रहे हो? मैं अभी आता हूं। उनके अलावा दो और भी ऐसी गैर मुल्की खातीन हुई जो हिंदुस्तान में तो नहीं रही और ना ही यहां आई, किंतु उनकी कुर्बानी जंगे आजादी हिंद में कम नहीं थी और उनका रिश्ता हिंदुस्तान के साथ ऐसा बन गया कि वे भी हिंदुस्तानी थी। राज बिहारी बोस की बीवी तोशिको बोस और सुभाष बोस की बीवी एमिली शंकल बोस थी और उन्होंने हिंदुस्तानियों से निकाह किया। उन्होंने आजादी की जंग में ताउन करते हुए हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाया। विवेक, ये रहा तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट। अरे वाह, ये कैसे? इन सब बातों के लिए अभी वक्त बहुत कम है। जो हुआ वो मैं तुम्हें प्ले के बाद तफसील से बताऊंगा। अभी जल्दी से इन्हें तैयार करके भेज दो। बस 10 मिनट में भेज रहा हूं। ऑस्ट्रियन फ्रेडलिन एमिली शेकल ये जानती थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने मुल्क की आजादी के लिए भारी खतरों से गुजरने और अपने जान की बाजी लगाने वाले हैं। उनकी बीवी बनकर उन्हें शादीशुदा जिंदगी का कोई सुख मिलने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी हौसले, भरोसे और मजबूत अज़्म से मालामाल उस गैर मुल्की हिंदुस्तान परस्त खातून ने हिंदुस्तानी नेताजी की बीवी बनना फख्र से मंजूर किया। एमिली शंकल हर काम में नेताजी का हाथ बटाती थी और अगर ये कहा जाए कि वे उनकी सेवा करती थी तो ये मानना ज्यादा सही होगा। नेताजी जो खत या मजमून या किताब लिखते, एमिली उसे टाइप कर देती। बाजार से सामान खरीदना, जर्मन अखबार पढ़कर सुनाना, मुख्तलिफ खतरनाक मौकों पर उनके साथ ढाल बनकर रहना और इस तरह हिंदुस्तान के अजीम मुजाहिद नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ हिंदुस्तान की जंग आजादी लड़ी। और ऐसी एक और मुजाहिद की कुर्बानी की कहानी जिसकी माँ ने भी हिंदुस्तान के अजीम जंगे आजादी के सिपाही राज बिहारी बोस के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। राज बिहारी बोस की सास यानी उनकी बीवी की मां ने जिस शक्ति मादरी से राज बिहारी बोस की जिंदगी के आखिरी लम्हों तक उन्हें प्यार, हिफाजत और बढ़ावा दिया, साथ दिया, ऐसी कुर्बानी की मिसाल तारीख में कहीं नहीं है। हुआ यूं कि हिंदुस्तान में राज बिहारी बोस को सजाए मौत की सजा मिलनी पक्की थी और सन 1915 में वो फरार होकर दूसरे नाम और भेस में जापान जा पहुंचे। वहां वो जापान की ब्लैक ड्रैगन पार्टी के अजीम बुजुर्ग नेता मित्सुरु तोयामा से मिले। मिस्टर बोस, आपकी मुश्किल मैं समझ रहा हूं। हम जापानी लोग ना तो गुलाम रह सकते हैं, ना ही चाहते हैं कि कोई मुल्क गुलाम हो, और हिंदुस्तान के लिए हम जापानियों के दिलों में बहुत प्यार और अकीदत है। महात्मा बुद्ध का मुल्क है आपका हिंदुस्तान। मैं आपके ख्यालात के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। अब आपकी मुश्किल बड़ी गहरी है। आपको सजाए मौत मिलना लगभग तय है। आप हिंदुस्तान वापस जा नहीं सकते और अगर अंग्रेजों को मालूम पड़ गया कि आप यहाँ हैं तो मुश्किल हो सकती है। जापान में किसी को अंग्रेज सरकार कैसे गिरफ्तार कर सकती है? अंग्रेज सरकार को अगर मालूम हो गया कि आप यहाँ हैं तो हमारी सरकार पर दबाव बना सकती है कि उनके मुल्क का एक मुजरिम यहाँ है और उसे गिरफ्तार करके वापस भेजा जाए। और यदि आप मुझे जापान की शहरियत दिलवा दें तो? अगर हो सकता तो मैं जरूर कर देता, मगर जापान की शहरियत पाने के कानून बहुत सख्त हैं। क्या है उस कानून के बारे में? मेहरबानी करके बताएंगे
सिर्फ मेरी मालूमात के लिए। हाँ हाँ जरूर, आपको जापान की शहरियत पाने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त है कि आपको जापानी जबान और तहजीब की अच्छी जानकारी हो। दूसरी शर्त है कि आपकी किसी जापानी लड़की से शादी हो। और तीसरी शर्त है कि आपने 7 वर्ष जापान में बिताए हों। जापानी जबान और तहजीब सीखने तक तो ठीक है, मगर बाद की 2 शर्तें नामुमकिन है। मैं समझता हूँ। कौन अपनी बेटी ब्याहेगा ऐसे शख्स से जिसे किसी भी वक्त गिरफ्तार करके सजाए मौत दे दिए जाने का खतरा हो, और 7 साल तक कौन इस तरह छिपा कर रख सकता है कि जापान की पुलिस और अंग्रेजों के जासूसों को खबर ना हो। बहुत मुश्किल है। मैं समझ रहा हूँ। चलो फिर भी कुछ वक्त के लिए मैं तुम्हारे छिपने का इंतजाम कर दूंगा, और ये भी हो सकता है कि अंग्रेजों को आपके यहाँ आने की जानकारी ना मिल पाए। उस हालत में आपको कुछ साल यहाँ काटने में मुश्किल नहीं होगी। इतना प्रबंध मैं कर दूंगा। आपने सुना, ब्लैक ड्रैगन पार्टी के बुजुर्ग नेता मित्सुरु तोयामा ने राज बिहारी बोस के जापान में आरजी तौर पर रहने का सारा इंतजाम करने का वादा किया था, और उन्होंने ये पूरा भी कर दिया। अब राज बिहारी बोस को एक घर में आसरा मिल ही गया। एजो सोमा और कोको सोमा बहुत अच्छे लोग थे। अरे हाँ, ये तो हमें मालूम है कि तुम इनकलाबी हो और अंग्रेज तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मगर ये तो बताओ किस जुर्म में? क्योंकि मैं अपने 2 प्रयासों में असफल रहा था। अब लगता है अपने जवाब से मुझे परेशान करके बदला लेना चाहते हैं। नहीं, मुझे खुलासा बताते हुए शर्म आ रही है। ऐसा क्या क्या किया था जिसमें नाकामयाब होने पर शर्म महसूस हो रही है? 3 साल पहले मैंने एक शख्स पर, जो हाथी पर बैठकर जा रहा था, बम फेंका जो उसको नहीं लगा। और वो खुशकिस्मत कौन था? हिंदुस्तान के वॉइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग। वाह, बहुत हिम्मत भरी कोशिश थी। इतनी सिक्योरिटी में जा रहे शख्स को निशाना बनाना एक बहुत मुश्किल और हिम्मत भरा कदम है। इसमें नाकामयाब होने पर तुम्हें शर्मसार होने की जरूरत नहीं। और दूसरी नाकामयाब कोशिश कौन सी थी? 1857 की बगावत की तर्ज पर मैंने पिछले साल ब्रिटिश फौज के हिंदुस्तानी फौजियों में मुल्क भक्ति जगाकर फौजी बगावत की कोशिश की थी, लेकिन शायद इस नाकामयाबी पर मैं शर्मसार नहीं हूं। नहीं नहीं, नाकामयाबी तो नाकामयाबी है, इस पर भी तुम्हें शर्मसार होना पड़ेगा। चलो एजो, एक मौका देते हैं इसे। तो बताओ राज बिहारी, तुम इस नाकामयाबी पर शर्मसार क्यों नहीं? क्योंकि मैंने हार नहीं मानी है और अब फिर कोशिश करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे जीते जी तुम ये कामयाबी पालोगे। तभी तोयामा कह रहे थे, वापस हिंदुस्तान पहुंचते ही तुम्हें सजाए मौत जरूर मिलेगी। जी हाँ, सच कहूं तुम्हारे हाथ चूमने को दिल करता है, तुम्हारे जज्बे को सल्यूट करने का मन करता है। हम जापानी आजादी को बहुत अहमियत देते हैं। देखना, हिंदुस्तान जल्द आजाद होगा, जहां तुम्हारे जैसे नौजवान हैं जो 2 बार नाकामयाब होने पर भी तीसरी बार कोशिश करने को तैयार हैं। उन्हें आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। एजो और कोको राज बिहारी बोस के इस अज्म को सुनकर बहुत मुतासिर हुए। और फिर जब उन्होंने राज बिहारी बोस के अब तक के कामों और साथियों के बारे में सुना तो उनका दिल भर आया। कोको, जिसे अदब से बहुत लगाव था, उन्होंने हिंदुस्तान की इनकलाबे खातून के बारे में भी जानकारी ली। राज बिहारी बोस ने उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई और रानी चिन्नम्मा की कुर्बानी और अंग्रेजों की मक्कारियों के बारे में बताया, जिससे वो बहुत मुतासिर हुई। ये जानकर कि अंग्रेजों ने गोद लिए हुए बेटे को
रानी लक्ष्मीबाई और रानी चिन्नम्मा के राज का उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया बहुत बुरा लग रहा है। अंग्रेज ऐसे ही हर काम में दखल अंदाजी करने लगे। मैं सोचता हूँ एक आदमी किसी को भी अपना वारिस और जायदाद का वारिस बनाने के लिए आजाद है। हाँ, अगर मैं कल को राज बिहारी को अपना बेटा बनाकर सब कुछ इसके नाम कर देने का फैसला करूं, तो मुझे कौन रोक सकता है? प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो? जी ठीक हूँ। भगवान बुद्ध तुम्हें खुशकिस्मत बनाए। लगता है आपके आने का मतलब मेरी किस्मत से जुड़ा है। हाँ हाँ, ठीक समझे हो, मैं तुम्हारी खातिर ही आया हूँ। जी बताइए। ये तो तुम्हें मालूम है कि अंग्रेजों ने तुम्हें पकड़वाने के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम रखा था। जी। या इनाम की वजह से या अपने जासूसों से अंग्रेजों को यह मालूम पड़ चुका है कि तुम जापान में हो। यहाँ तक कि बात तो संभाली भी जा सकती थी। फिर अंग्रेजों ने जापान सरकार के साथ इस बात का मुहायदा कर लिया है कि तुम्हें पकड़कर हिंदुस्तान भेज दिया जाए। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अंग्रेज जासूसों और जापानी पुलिस दोनों से बचकर रहना होगा। भूल हुई नहीं कि सारा खेल खत्म। और फिर तो राजबिहारी घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकेंगे। अब से ये घर के नौकर के सामने भी कम से कम ही आएंगे। कोको, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। अब राजबिहारी की जान को खतरा बहुत बढ़ गया है। हाँ, मैं इसीलिए खबरदार करने आया था। अब मैं चलता हूँ। उस रात कोको और एजो सो ना सके। देर रात तक राजबिहारी के बारे में बातें करते रहे, जिसकी जिंदगी कभी भी एक गलत मोड़ ले सकती थी। वो दोनों जानते थे कि राजबिहारी बोस घर से बाहर निकलते ही अंग्रेजों के जासूसों के जरिए जापान की पुलिस के जरिए पकड़ लिए जाएंगे। उन्हें मौत सामने साफ नजर आ रही थी। हाँ, राजबिहारी की मौत तो तय है। अगर कुछ ना किया गया तो क्या किया जा सकता है? एक ही तरीका है जिससे राजबिहारी की जान बच सकती है। मालूम है, जापानी शहरियत अगर दिला सके तो। हाँ, मगर वो नामुमकिन है। क्यों? जापानी जबान और तहजीब तो वो सीख जाएगा, 7 सालों तक छिप्पी लेगा, लेकिन एक जापानी लड़की से शादी कैसे कर पाएगा? कौन देगा ऐसे शख्स को अपनी बेटी जिसकी जिंदगी कभी भी जा सकती है? मैं दूंगी। क्या? हाँ, अभी सुबह ही मैं कह रही थी कि अगर मैं उसे गोद ले लूं, उसे अपना बेटा बनाकर सब कुछ दे दूं, तो मुझे कौन रोक सकता है? मैंने अभी अभी फैसला किया है कि मैं उसे बेटे की तरह रखूंगी। जमाई भी तो बेटा ही होता है। अरे क्या तुम होश में हो? पहली बात तो ये कि तोशिको अभी छोटी है, सिर्फ 20 साल की है, स्कूल में पढ़ रही है। राज बिहारी तो उससे कम से कम 10 साल बड़ा है। किसी की उम्र का क्या पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोशिको को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, राज बिहारी के साथ साथ जगह बदलते रहना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों के जासूस हर इलाके को कुत्तों की तरह सूंघना शुरू कर देंगे। तोशिको में भी हमारा खून है, और एक जापानी कुर्बानी देने से कभी नहीं घबराता। तोशिको राज बिहारी के लिए बीवी बनकर नहीं, ढाल बनकर रहेगी। तोशिको हमारी पहली औलाद है। अब हमारा एक बच्चा और हो जाएगा। तोशिको कोई नौकर नहीं रख पाएगी। जहाँ जहाँ रहेगी वहाँ वहाँ घर का सारा काम, खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह उसे खुद ही करना पड़ेगा। कुर्बानी इसी का नाम है। राजबिहारी के अंदर भी सब्र, कुर्बानी और हिम्मत कूट कूट कर भरी है। फिर वो अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहा है। ऐसे शख्स की मदद और सेवा करना इंसानी फर्ज है। मैं सोचता हूँ तुम तोशिको की राय भी ले लो। लूंगी, परंतु मुझे मालूम है वो इसका विरोध नहीं करेंगी।
कुर्बानी तो जापानियों के खून में कूट कूट कर भरी है। तो नाजरीन, इस तरह से अपने मुल्क से दूर एक अनजान मुल्क में आजादी के परवाने को कोको जैसी मां मिली, जो खुद तो कुर्बानी कर ही रही थी, अपनी बेटी से भी कुर्बानी करवाने पर तैयार थी। हम सलाम करते हैं ऐसी माओ को और ऐसे मुल्क को जिसने ऐसे जंगे आजादी के सूरमाओं को पैदा किया। आज हमने यौम आजादी के मौके पर हजारों लाखों में से चंद मुजाहिदे आजादी हिंद को याद किया, मगर हम सलाम करते हैं उन सब मुजाहिदों को जो कम जाने हैं और उनको भी जिनका नाम भी तारीख में दर्ज नहीं है। आप सब यहां आए और वतन परस्तों को याद किया, इस मजलिस के लिए ही कहा था अशफाकुल्ला खान ने, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बल्ले 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 प्ले हो गया, बल्ले 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 प्ले हो गया। बढ़िया, वाह। यार इरफान, तूने हमसे नौटंकी कराई दी है। ओ चकदे फटे यार, चल अच्छा है जो तेरे परदादा ने नहीं किया, दद्दू ने नहीं किया, पप्पा ने नहीं किया, सन्नी ने कर लिया। अब खड़ा क्या है, गले लग जा। ओ यार मुश्ताक, प्ले भी पूरा हो गया और मैंने तेरी टांग भी नहीं तोड़ी, है ना डबल खुशी की बात। यार ये सब कहां से शुरू हुआ था, हम लोगों में झगड़ा भी हुआ, उसके बाद भी हम लोगों ने मिलकर कितना अच्छा प्ले तैयार कर लिया है। प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। यही निशस्त मेला है और हम सब अकीदत करने वाले, खुदा उनकी रूह को अमन चैन और खुशी बख्शे। हमारा सलाम। जय हिंद। जय हिंद। आइडिया तेरा था एंड आई थिंक इस प्ले को करके मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, सो अ वेरी 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 बिग थैंक यू टू यू। थैंक यू यार। अरे चुप कर पगली, रुलाएगी क्या? अरे इरफान बता तो, तू कैसे लाया मेकअप आर्टिस्ट को? बताता हूँ, सुनो हुआ ये। प्रेसिडेंट आ रहा है। दोस्तों, मैं तुम सबसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। पर तुमने ऐसा किया क्यों? मैं तुम लोगों का प्ले देख रहा था और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, देखने वाले भी पसंद कर रहे थे और खूब तालियां भी बज रही थी, मगर ये सारी बात कहीं ना कहीं मुझे चुभ रही थी। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुश्ताक और जमील के कारण मैं इतने बड़े प्ले का हिस्सा नहीं हूं, और इसी का बदला लेने के लिए मैंने तुम लोगों के मेकअप आर्टिस्ट को उठा लिया। ये तो बताओ कि तुमने मेकअप आर्टिस्ट को किस बात पर छोड़ा? तुम लोगों को फोन करने के बाद मुझे इरफान का फोन आया और उसने मिलने को कहा। हम नोटिस बोर्ड के सामने मिले। जफर कैसे हो? मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे मेकअप आर्टिस्ट को।
जफर, मैं तुम्हें उसे छोड़ने को कह भी नहीं रहा। मैं बस ये जानने आया हूँ कि तुम इस प्ले को खराब क्यों करना चाहते हो। जमील और मुश्ताक ने मेरी बेइज्जती की है। बेइज्जती? वो कैसे? तुम लोगों के साथ मिलकर ये प्ले करके। जफर, पर ये डिसीजन तो सबीना मैडम और प्रिंसिपल का था। तो मेरे पास आते, मुझे भी इस प्ले का हिस्सा बनाते। प्ले तो पूरा हो जाएगा, चाहे हमें स्टेज पर बिना मेकअप के ही क्यों ना जाना पड़े। वैसे भी जफर, इस प्ले का हिस्सा तो तुम बन चुके हो। और कैसा हिस्सा बने हो ये तुम अच्छे से जानते हो। रुको, तुम्हारा मेकअप आर्टिस्ट मेरी गाड़ी में है, उसे ले जाओ। इरफान की बात सुनकर मुझे लगा कि इतने बड़े प्ले में मेरी यही शिरकत है कि मैंने उसे खराब कर दिया। और तभी मुझे एहसास हुआ कि इस राह पर मेरा मुस्तकबिल ठीक नहीं, और मैंने उसे जाने दिया। दोस्तों, मेरी सोच गलत थी और मैंने अपनी सोच बदल ली है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दोस्तों। ओ कोई गल नहीं, चल भूल जा। सबीना मैडम आ रहे हैं। बच्चों। जी मैम। इस शो को कामयाब बनाने में आप सबकी ताकत जुड़ी हुई है। अगर आप में से कोई एक टीम इस शो को करती तो इतना खूबसूरत, इतना दिलकश प्रोग्राम बन ही नहीं पाता। बच्चों, कारवाने आज़ादी के इस पूरे कारवां में आपके सामने एक बात बहुत नुमाया होकर सामने आई है, और वो है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और ये ऐसा सच है जो किसी भी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी पर भी उतना ही लागू होता है जितना किसी मुल्क पर। जी मैम। बच्चों, मैं चलती हूँ। दोस्तों, थिएटर तो अब सक्सेसफुल रहा, तो गोवा, हियर वी कम। लग रहा है मैडम फेशियल।